हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। क्या नाम आपका? विनम जी। अभी आपको मेरे साथ में आज कौन सी क्लास है ड्राइविंग सीखने का? आज फिफ्थ डे है। आज आप कौन सी कार चलाने जा रहे हो? पता नहीं है। वही कार है, सेंट्रो वो भी है और सेंट्रो ये भी है। कलर चेंज है। आपको ये देखना चाहिए कौन सी कार है। हुंडई की सेंट्रो कार है, ठीक है। जैसे कि अभी आप सेंट्रो चला रहे थे, ब्लू कलर वाली, ये भी वाइट है ना। लेकिन आज इसमें क्या नया सीखना आपको मेरे से? क्या नया सीखना है इसमें? बैक करना भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बैक करना हम लोग सात क्लास बात करेंगे। लेकिन जो ब्लू कार आप चलाते हैं तो उसमें उस साइड में भी क्लच और ब्रेक होता है मेरे साइड में, ठीक है। इस कार में नहीं है, इसमें आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास इसमें क्लच ब्रेक जो लेफ्ट साइड में होता है सिखाने के लिए, डबल कंट्रोल क्लच ब्रेक का, वो नहीं है। आपको खुद से चलाना है और खुद से रोकना है, खुद से कॉन्फिडेंस लाना है, कंट्रोल करना है कार को। तो सबसे पहले हम लोग किन किन चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं कार को चलाने के लिए? सबसे पहले हम लोग किन किन चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं? सीट बेल्ट मार, ठीक है। पहले सीट एडजस्ट कर लेते हैं, फिर सीट बेल्ट लगा लेते हैं। लगा लिया? एक बार क्लच दबा के देखो आपका पैर सही से जा रहा है? सही से जा रहा है ना? अब ब्रेक पे पैर रखो, हल्का सा क्लच वाला पैर पीछे करो और पीछे करो, आपने छोड़ा। हाँ, अब दबाओ क्लच को उंगली से, क्लच दबाओ पूरा, हल्का सा आगे करो पैर, बस। अब दबाओ पूरा क्लच, गुड। छोड़ो क्लच, गुड। फिर से ब्रेक के पैर, एक्सीलेटर पैर, फिर से ब्रेक, फिर से एक्सीलेटर, फिर से ब्रेक, फिर से एक्सीलेटर, फिर से ब्रेक, गुड। तो अभी आपने क्लच और ब्रेक का आइडिया ले लिया है, ठीक है। अभी मेरे साथ में ड्राइविंग सीख करके आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में, कैसा सिखा रहा हूँ मैं आपको? भी मतलब जो भी आपको सही लगे वो भूलिए, लोगों को बताइए कि मैं कैसा सिखा रहा हूँ, गलत सिखा रहा हूँ, सही सिखा रहा हूँ, या मेरे बताने का तरीका आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, सही सिखा रहे हैं और बताने का तरीका अच्छा है। सही सिखा रहे हैं। आपके घर पे कौन सी कार है? आई टेन है, हुंडई की, ठीक है। तो i10 और सेंट्रो हुंडई की, दोनों कारों का चलाना सेम है, कुछ चेंज नहीं है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो अभी आपको इंजन स्टार्ट करना है। इंजन स्टार्ट करो क्लच दबा के, बिना क्लच के नहीं स्टार्ट करते हैं। बताना मेरा काम है, भूलना काम आपका है, ध्यान देना काम आपका है, तो बार बार भूलना नहीं है। स्टार्ट हो गया? हो गया, ठीक है। बस हम लोग चलते हैं आपके साथ में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अभी मेरे साथ में स्टूडेंट है जो कि विनम जी है, इनको आज मेरे साथ में ड्राइविंग सीखने का आज फिफ्थ क्लास है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताऊंगा कि अभी इनकी कैसी प्रैक्टिस है, कैसा कंट्रोल है, कैसा अभी ये कार को चला रहे हैं मेरे साथ में। हुंडई की सेंट्रो कार इनके घर पे है, i10। तो दोस्तों आइए आप भी देखिए कि इनका आज फिफ्थ क्लास में ये कैसे संभाल लें, क्योंकि आप जो मेरे पास कार है सिखाने के लिए उसमें डबल क्लच ब्रेक का कंट्रोल नहीं है। आज मेरी पर्सनल कार है जो कि भाई साहब चलाने जा रहे हैं, मेरे स्टूडेंट चलाने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब जुड़े और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप देख करके लखनऊ जैसे शहर में कार को चला सके, ठीक है। अभी आपने लगा लिया फर्स्ट गियर, लगा लिया। अभी क्लच आपको बहुत हल्का का छोड़ना है जी, पूरा भ्राम से नहीं छोड़ना है, हल्का का छोड़िएगा। जब कार आपकी रनिंग करने लगे तो क्लच को होल्ड कर लेना, होल्ड करना समझते हैं ना भैया? रोक लेना मतलब, ठीक है। आपने एकदम से छोड़ दिया भाई, क्लच को दबाओ पूरा, इंजन को स्टार्ट करो, बस हो गया, ठीक है। गियर लगा है, आप क्लच को हल्का का छोड़ो ना, बहुत हल्का का क्लच छोड़ना, मैं बताऊंगा। और छोड़ो हल्का का क्लच, और छोड़ो हल्का का, और छोड़ो हल्का का, छोड़ो हल्का का। अभी क्लच को रोक लो, रोक लो, रोक लिया ना, अब पूरा क्लच छोड़ दो। अब कार आपकी कहीं नहीं जाएगी, बस सिर्फ सीधे जाएगी, भागेगी नहीं कार आपकी, ठीक है। अभी सीधे सीट जाना है आपको, हल्का का राइट रखो, पूरा क्लच छोड़ो, हल्का सा पैर पीछे करेंगे क्लच वाला, गुड, ठीक है। अब धीरे से एक्सीलेटर पर पैर रख लो, रख लिया, बहुत ही हल्का हल्का आपको एक्सीलेट करना है, अच्छे बच्चों जैसे, हल्का का बढ़ाएंगे, हल्का हल्का बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो।
आज आपको ये लगे कि आप अपने घर की कार चला रहे हो, क्योंकि इसमें डबल क्लच ब्रेक का कंट्रोल नहीं है, आपको खुद से चलाना है, खुद से कंट्रोल करना है, मैंने आपको बताया। तो आपको ये लगे कि आज पांचवे दिन पे आप अपनी घर की कार चला रहे हो, ठीक है, ट्राइंगल का करते, ठीक है, और बढ़ाएंगे। अभी एक्सेलरेटर छोड़ो और क्लच को दबा लो, पूरा दबा लिया, पूरा दबाओ। अब सेकंड गियर लगाना आपको, लेफ्ट में पीछे लग गया, छोड़ो बैक क्लच, आराम छोड़ो, छोड़ दो धीरे से, पूरा क्लच छोड़ो, छोड़ो धीरे से, छोड़ दिया ना, गुड। अभी हम लोग हल्का हल्का एक्सेलरेट करेंगे, चलो सीधे जाएंगे स्ट्रेट, बढ़ा लो हल्का हल्का एक्सेलरेट करो, चलो और बढ़ाएंगे हल्का हल्का स्पीड, गुड, और बढ़ाएंगे हल्का हल्का स्पीड को, गुड, और बढ़ाएंगे हल्का हल्का स्पीड, गुड। दोनों साइड के मिरर में देखना है आपको, बैक मिरर में देखना है, ठीक है, ज्यादा राइट साइड मत चिपकाओ, झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, है ना, तो आपको ज्यादा राइट नहीं चिपकाना है, और बढ़ाना है हल्का हल्का स्पीड को, अभी आप कौन से गियर में कार को चला रहे हैं भाई साहब? सेकंड गियर में कार को चला रहे हैं। सेकंड गियर में कितनी स्पीड होती है? 20 से 30 के बीच, गुड, 20 से 30 के बीच रखना, 30 से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है, 30 से ज्यादा करते फिर हम लोग थर्ड गियर लगा लेंगे। देखो सामने से एक कार आ रही, तो आपको सिर्फ दबाओ मत, पैर रख लो ब्रेक पे, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने लगाया जैसे कि एकदम से चिपक रही थी कार, तो एकदम से आपको चिपकाना नहीं है, बहुत ही हल्का हल्का हम लोग लेफ्ट रखेंगे, आगे एक पेड़ है देख रहे होंगे आप, है ना, तो आपको हल्का हल्का लेफ्ट रखना है और हल्का हल्का हम लोग स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, अच्छे बच्चों जैसे, गुड, हल्का हल्का लेफ्ट आ जाएंगे मेरी साइड में। आगे एक ट्रक खड़ा है, आप देख रहे हैं, उस ट्रक की वजह से कई वाहन वहां पे खड़े हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग पहले से अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है, चलते जाओ फिर धीरे धीरे, ब्रेक पहले पैर रख लो आप, ब्रेक पैर रख लिया, साइड में आ जाओ, पूरा क्लच दबाओ, दबा लिए, छोड़ेंगे हल्का का क्लच, हल्का का छोड़ो क्लच, इस कार के क्लच दबा लिए ना, दबा के रखना क्लच, अभी छोड़ो क्लच हल्का हल्का, छोड़ो क्लच हल्का का, छोड़ो क्लच हल्का का, आपकी कार निकल जाएगी, दे दे बस क्लच दबा लो, फिर से क्लच दबा लो, दबा लिए, पूरा दबा पक्का, छोड़ो भाई क्लच, छोड़ो क्लच हल्का का, छोड़ो क्लच, गुड, निकल गई कार आपकी, कैसा लगा यहाँ पे आपको, पहले से क्या लग रहा था, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? लग रहा था निकाल, पहले से क्या लग रहा था आपको? निकाल लेंगे, मतलब कि आपको अपने पे खुद पे कॉन्फिडेंस लग रहा था ना, चलो बढ़ा लो फिर, इसी बात पे बढ़ाओ हल्का का स्पीड को, जी लो जिंदगी, गुड, बढ़िया, चलो बढ़ा लो। आपने ड्राइविंग सीखने के लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से सर्च किया? गूगल से। गूगल पे क्या देखा आपने मेरे बारे में? कार ड्राइविंग, ठीक है, उसके बाद बढ़ा देंगे, ये बस आ रही, अभी नहीं बढ़ाएंगे स्पीड, जाने दो, उन्हीं को जाने दो, है ना, क्लच दबा लो, कोई दिक्कत लगे पहले क्लच दबा लो, छोड़ो ब्रेक, छोड़ दिया, पहले क्लच छोड़ो, तब एक्सेलरेट छोड़ो, क्लच हल्का का छोड़ देना क्लच, अब हल्का हल्का एक्सेलरेट करो, क्लच छोड़ने के बाद एक्सेलरेट करते हैं, दोनों एक साथ में नहीं यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, चलो बढ़ा लो हल्का हल्का स्पीड को, चीजें समझ में आ रही है, चलो आगे से फिर हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे, सिग्नल दीजिए फिर से लेफ्ट का, दीजिए ना सिग्नल, नहीं दिया भाई, दो फिर से सही से दोगे तभी होगा, अब ब्रेक पे रख लो और लेफ्ट वाले मिरर में देख करके आना आपको, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ब्रेक पे रख लो, ठीक है, पैर रख ले, अभी मत घुमाओ, अभी नहीं, अब घुमाओ हल्का सा, और घुमाओ बस, ठीक है, सीधा कर लो वापस, चलो जाओ बढ़ा लो हल्का का स्पीड, क्लच छोड़ो ना, क्लच दबाना नहीं होना चाहिए यार, गुड। लोग कितने दिन में ड्राइविंग सीख सकते हैं? डिपेंड करता है सीखने वाले, आप कितने दिन में कार सीख गए? मेरा 5th डे है आज, और आज आप अपनी पर्सनल कार चला रहे हो, खुद से चला रहे हो, काफी बिना कंट्रोल के लिए चला रहे हो, सिर्फ मैं साथ में बैठा हूँ, चीजें आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे हमें कंट्रोल करना है और कैसे हमें चलना है, इधर चले,
लेफ्ट लेफ्ट चलना है, ब्रेक पे रख लो, लेफ्ट जाना है। सिग्नल मार दिया ना? हाँ। चल आ जाओ, हल्का जगह घुमाएंगे। गुड, ठीक है ठीक है। क्लच दबा तो नहीं भाई आपका? ना अभी दबाया था। छोड़ो तो क्लच, क्लच छोड़ो, मैंने दो बड़ा लो हल्का का स्पीड। चल और बढ़ा लेंगे हल्का का स्पीड हम लोग, चल और बढ़ा लेंगे हल्का का स्पीड हम लोग। तो इसका मतलब कि आप चार दिन बाद कार, चार दिन में कार को सीख गए क्योंकि आज खुद से चला रहे हो, खुद से कंट्रोल कर रहे हो चीजों को, बिना मेरे कंट्रोल किए हुए आप चला रहे हो कार को, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर मैं चाहता तो आपको फर्स्ट जैसे इसी कार को चलाना स्टार्ट कर देता, ठीक है। लड़े नहीं, कैसे लड़ जाती? मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल आप कर रहे हो। दिक्कतें जब होती है, जब जैसे कि आप सीख रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ। आपके डरने से पहले मैं खुद डर जाऊं तो कार ठुकती है। घर वाले लोग क्या करते हैं, आप चला रहे हो, आप सीख रहे हो, घर वाले लोग सिखा रहे हैं, पापा है, बड़े भाई या फ्रेंड है, आपके डरने से पहले वो खुद डर जाएंगे, है ना, फिर एक्सीडेंट होता है। सही बात। लेकिन हमें क्या है कि आपका कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, मनोबल वो बढ़ाना है आपका, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है। उसको जैसे कि वहां पे देखे, कार बहुत कम जगह थी जहां पे हम लोग निकाले थे अभी ट्रक के बीच में, लेकिन हमने बोला ना कि निकालो, आराम से निकालो, है ना। तो वो आपने निकाला तो अब आपके अंदर लग रहा होगा कि हाँ, कम जगह पे हमने आज कार को निकाल लिया। कई बार आप सोचोगे उसको अपने मन में कि हमने कम जगह में कार को निकाल लिया, हम निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं निकालते, हम लोग खड़े रहते 10 मिनट, हम उस ट्रक वाले का वेट करते, तो आप 20 दिन भी सोचते कि हम नहीं निकाल सकते उस जगह से, है ना। आप अगर चिन्हित तिराहे से, चिन्हित चौराहे से निकाल लोगे कार आज, तो आपको लगेगा अरे वाह, मैंने चिन्हित से निकाल लिया कार को। और नहीं अगर निकलवाएंगे तो आपको लगेगा अरे नहीं, अभी हम निकालने वाले वहां पे नहीं है। तो ये नहीं, जब आप उस रास्ते से निकल कर जाओगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, अब हम कार को निकाल सकते हैं। इस गोल चक्कर से हम राइट टर्न करेंगे, ठीक है। गुड, पूरा यू टर्न, राइट टर्न, नहीं राइट का सिग्नल दो, दे दिया। हाँ, गोल चक्कर से हम लोग राइट टर्न करेंगे। ओके। तो आप हल्का कर लेफ्ट आ जाओ ना मेरी साइड में, ब्रेक पे पैर रख लेना, गोल चक्कर क्या करना है। हाँ, ब्रेक पैर रखो टर्निंग टाइम पे, रख लिया। टर्निंग टाइम पे ब्रेक पे पैर होना चाहिए आपका, जरूरी है। अब इधर से घुमाना है, घुमाओ राइट, राइट घुमाओ, घुमाओ और घुमा लो, बस ठीक है, बस सीधा कर लो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। गुड, बहुत बढ़िया, पास हो गया, पास है ना। जाओ बढ़ा लो हल्का का स्पीड, चलिए छोटा है ना। हाँ, चलो बढ़ा लो हल्का का, हल्का का राइट रखना प्लीज। इसका स्टीयरिंग ज्यादा अच्छा है। अब वो पुरानी कार, उस पर लोग डेली 20 लोग सीखते हैं आपके जैसे स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइट। हाँ, तो उसको कहीं गड्ढे में कुदाते हैं, कहीं क्या करते हैं, तो टाइट तो होगा ना। वो 20 साल पुरानी कार है, ये 10 साल पुरानी कार है। अच्छा लगा इस कार पे, इस कार पे, उस पे भी मतलब सीखता तो था ही। इस टर्निंग पे दोनों साइडों में देख करके और हॉर्न मार करके सारी चीजें चलाना, सब सेम है, ठीक है। चलो बढ़ा लेंगे हल्का सा। गुड, दोनों साइडों के मिरर में दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो बढ़ाते जाओ सीधे से, मुस्कुराते हैं। गुड, सिर्फ ब्रेक पर रखेंगे, स्टैंडिंग पर ब्रेक करके दोनों साइडों में, ठीक है। चलो बढ़ा लो हल्का का स्पीड,
चल और बढ़ाएंगे हल्का हल्का स्पीड को। गुड, बहुत बढ़िया, मस्त।